गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महादाई नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, महादाई नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट के भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से होती है। दूसरा कथन है, इस नदी के जल बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच विवाद चल रहा है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है और आपके ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात कथन एक महादाई नदी के बारे में सही है और बाकी कथन गलत है। और आज के हमारे इस एमसीक्यू का आधार था द हिंदू में प्रकाशित एक खबर, जिसमें बताया गया कि गोवा और कर्नाटक के बीच में महादाई नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। आइए अब दोबारा इस प्रश्न को देख लेते हैं कि पहला कथन क्या था। पहला कथन था कि महादाई नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट के भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होती है, यह कथन बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा कथन है कि इस नदी के जल बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विवाद हो रहा है, यह गलत है। क्योंकि महादाई नदी के जल बंटवारे को लेकर बेसिकली तीन राज्यों के बीच में विवाद है और वो राज्य है गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और हालिया विवाद कर्नाटक और गोवा के बीच चल रहा है। आइए अब महादाई रिवर को लेकर कर्नाटक और गोवा के बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वह महादाई रिवर है, जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक से होती है और वह गोवा से होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसी महादाई रिवर की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सुरला रिवर। यह सुरला रिवर है, एक बांध तो कर्नाटक इस सुरला रिवर पर बना रहा है जिसका नाम है कलासा बांध, और एक बांध यहाँ पर बना रहा है जिसका नाम है बांदुरा बांध। गोवा का आरोप है कि कर्नाटक अपने इस बांध के जरिए महादाई नदी के जल को मालप्रभा रिवर के बेसन की ओर डाइवर्ट कर रहा है, जिससे गोवा में पानी की संकट की स्थिति पैदा होगी, और उसी को लेकर गोवा और कर्नाटक के बीच में ये विवाद चल रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि कर्नाटक की जो ये कलासा डैम है और बांदुरा डैम है, इन दोनों का ही उसने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराया, जिसको लेकर भी गोवा ने विरोध दर्ज कराया है। आइए अब महादाई रिवर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। महादाई रिवर, जिसको महादाई रिवर या मांडवी रिवर भी कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति वेस्टर्न घाट में भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से होती है, जो कर्नाटक में अवस्थित है। मैं आपको बता देता हूँ, यह रिवर तीन राज्यों में बहती है, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और इसका दो तिहाई जल गोवा में होकर बहता है। और इसकी नदी को जल उपयोग को लेकर जो मुख्य विवाद चल रहा है वो कर्नाटक और गोवा के बीच है। वैसे तो विवाद तीनों राज्यों के बीच में है, लेकिन अहालिया विवाद कर्नाटक और गोवा के बीच में है, जिसमें गोवा द्वारा क्लासा बांदुरी नाला प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप इस मैप में महादाई रिवर को देख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, यह महादाई रिवर है और इससे संबंधित राज्य है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। आइए अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। सूर्य ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वह स्थिति है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। दूसरा कथन है, सूर्य ग्रहण की घटना पृथ्वी और चंद्रमा के परिभ्रमण से जुड़ी हुई है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है और आपके विकल्प है ए, बी, सी या डी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात न तो कथन एक सही है और न ही कथन दो सही है। और आज के हमारे इस एमसीक्यू का आधार था द हिंदू में प्रकाशित एक खबर, जिसमें बोला गया है कि इस वर्ष का आखिरी जो सूर्य ग्रहण होगा वो 26 दिसंबर में होगा और भारत में चेरुवथूर, जो कि केरल में स्थित है और केरल के कसारागोड जिले के अंदर स्थित है, यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहाँ से इस सूर्य ग्रहण को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। आइए दोबारा आज के इस प्रश्न को देख लेते हैं कि दोनों कथन क्यों गलत है। पहला कथन था, सूर्य ग्रहण वह स्थिति है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यह कथन बिल्कुल गलत है। क्योंकि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आता है। दूसरा कथन था, सूर्य ग्रहण की घटना पृथ्वी और चंद्रमा के परिभ्रमण, जिसे रोटेशन बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई है, जबकि आप जानते हैं कि यह घटना परिभ्रमण से नहीं, यह घटना परिक्रमण से जुड़ी हुई घटना है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। आइए अब इस इमेज के जरिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला जो इमेज है ये सूर्य ग्रहण से संबंधित है, जिसमें दिखाया गया है कि
सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, वहीं जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो यह स्थिति चंद्र ग्रहण की होती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, एक तरफ बांध है दूसरी तरफ है नदी। पहला है श्रीशलेम गोदावरी नदी, मैटूर कावेरी, नागार्जुन सागर कृष्णा। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है और आपके ऑप्शंस है ए बी सी या डी। आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात केवल दो और तीन सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित नहीं है। और आज के हमारे इस एमसीक्यू का आधार था द हिंदू में प्रकाशित एक खबर जिसमें बताया गया था कि श्री सलेम जो बांध है उसके रख रखाव की ज़रूरत है, उसमें काफ़ी टेक्निकल और उसके कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई है जिसको लेकर उसके रख रखाव की बात की जा रही है। आइए दोबारा इस प्रश्न को देख लेते हैं, हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है। जैसा कि बताया गया है कि श्री सलेम गोदावरी रिवर से संबंधित है, नहीं, श्री सलेम का संबंध कृष्णा नदी से है, बाकी दोनों कथन सही थे। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, भारत में सड़क दुर्घटना पर जारी वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में होती है। दूसरा कथन है सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण ओवर स्पीड है। तीसरा कथन है सड़क दुर्घटना से सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में होती है। आपको बताना है स्टूडेंट्स कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और आपके विकल्प है ए बी सी या डी। आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात भारत में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में कथन एक दो और तीन तीनों ही सही है। और आज के हमारे इस एमसीक्यू का आधार है द हिंदू में प्रकाशित एक खबर जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके आधार पर हमने इन एमसीक्यूज को बनाया है। आइए अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे सागर कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित किससे है, ए हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुरक्षा और समृद्धि को बनाए रखना, बी सागर द्वीप के पारितंत्र को संरक्षित करने की एक पहल, सी भारत अमेरिका जापान द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास, डी समुद्र से धात्विक खनिजों के निष्कर्षण का कार्यक्रम। आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सा कथन कौन सा विकल्प सही है। आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सागर कार्यक्रम का संबंध ऑप्शन ए, अर्थात यह हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुरक्षा और समृद्धि को बनाए रखने से संबंधित है। और आज के हमारे इस एमसीक्यू का आधार था इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर जिसमें भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बोला था कि भारत अपने सागर कार्यक्रम को लेकर काफ़ी सजग है। और आपको साथ ही साथ यह भी बता देता हूँ, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी बैंकॉक में आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भाग लेने के लिए भी गए हुए हैं। आइए अब सागर कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं कि है क्या सागर की, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो सागर कार्यक्रम, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में किया था और इसका उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में शांति स्थायित्व और समृद्धि को बढ़ावा देना। और उसके जो मुख्य गोल है वो है इस क्षेत्र में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के क्लाइमेट को बनाए रखना, दूसरा रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स एंड नॉर्म्स बाय ऑल कंट्रीज, अर्थात समुद्री आवागमन से संबंधित जितने भी नियम हैं उनका सभी देशों द्वारा सम्मान किया जाए, वहीं एक दूसरे के हितों के प्रति देशों को संवेदनशील बनाया जाए, उसके साथ ही मैरीटाइम इश्यूज़ का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो और उसके साथ ही मैरीटाइम कोऑपरेशन में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, समाचारों में चर्चा में रहे जच्चा बच्चा सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सर्वे ने देश के 6 राज्यों में गर्भवती महिलाओं में पोषण स्थिति की जानकारी प्रदान की, दूसरा सर्वे में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे बेहतर और हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन है ए बी सी या डी। आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जच्चा बच्चा सर्वेक्षण के बारे में कथन एक सही है और कथन दो गलत है। और आज के हमारे इस एमसीक्यू का आधार था इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर जिसमें जच्चा बच्चा सर्वेक्षण के बारे में बताया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इस सर्वेक्षण में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश का रहा और उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, समाचारों में चर्चा में रही वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आईएमडी द्वारा जारी इस रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान स्विट्जरलैंड का है। दूसरा कथन है, गत वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। तीसरा कथन है, यह रैंकिंग 3 श्रेणियों में जारी की जाती है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और विकल्प है ए, बी, सी या डी। आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात कथन 1 और 3 सही है और कथन 2 गलत है। और आज के हमारे इस एमसीक्यू का आधार था इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर जिसमें आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, इस रैंकिंग में दुनिया में की टॉप 10 कंट्रीज में सबसे पहले स्विट्जरलैंड, उसके बाद डेनमार्क, फिर स्वीडन, फिर ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड एंड सिंगापुर, ये टॉप 10 कंट्रीज़ है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। अगर देखा जाए भारत का स्थान इसमें क्या है, तो भारत का स्थान 59 है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए ब्रिक्स कंट्रीज़ में अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो आप देख सकते हैं रशिया का स्थान 47 है, चाइना का 42 है, साउथ अफ्रीका का 50 है। अर्थात ब्रिक्स कंट्रीज़ में भी भारत का परफॉर्मेंस सबसे निम्न स्तर का है। उसके साथ ही यह जो रैंकिंग है वो 3 कैटेगरीज में जारी की जाती है और वो कैटेगरीज है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, दूसरी अपील और तीसरी है रेडीनेस। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिभूति अपीलीय प्राधिकरण सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना सेबी एक्ट 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। दूसरा कथन है, यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं की सुनवाई और उनका निपटान करता है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और आपके ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात कथन 1 और 2 दोनों सही है। और मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो आधार था वह द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर थी जिसमें बताया गया था कि सेट के द्वारा सेबी के ऊपर जो डिसीजन दिया गया है वह उचित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने सेट के डिसीजन पे रोक लगाई। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस न्यूज़ का पूरा आधार बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ष 2009 में सत्यम कंप्यूटर घोटाला हुआ था और उस घोटाले में एक ऑडिटर कंपनी जिसका नाम है प्राइस वाटर हाउस कूपर, इसकी भूमिका भी संदेह के दायरे में आई। और उसके बाद सेबी ने बोला कि प्राइस वाटर हाउस कूपर कंपनी द्वारा जो सत्यम कंपनी का ऑडिटिंग की गई थी वह संदेहास्पद है और उसी को लेके प्राइस वाटर हाउस कूपर पर सेबी ने 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था। फिर प्राइस वाटर हाउस कूपर ने सेबी के इस डिसीजन को SAT सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी और उसी के ऊपर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आया है। स्टूडेंट्स, आइए अब सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि हमारी स्लाइड में दिखाया गया है कि यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना सेबी एक्ट 1992 के तहत की गई है और इसका जो प्रमुख कार्य है कि यह उन सभी अपील की सुनवाई करती है और उनका निपटान करती है जो कि सेबी, PFRDA और IRDA द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध की जाती है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यह सेबी, IRDAI, PFRDA द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं, यदि उन आदेशों के खिलाफ कोई याचिका की जाती है तो उन याचिकाओं की सुनवाई और उनके निपटान का कार्य SAT का है। आइए अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन देशों की सीमा ईरान से लगती है? तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सीरिया। आपको बताना है कि निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और आपके ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। आइए अब देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्टूडेंट, जैसा कि हमने मैप में दिखाया ये हमारा ईरान है, आप देख सकते हैं ईरान की सीमा इधर तुर्कमेनिस्तान से लगती है, इधर अफगानिस्तान से लगती है, इधर पाकिस्तान से लगती है, इधर इराक से लगती है, इधर तुर्की से भी लगती है, इसके साथ साथ इधर आर्मेनिया से लगती है, इधर अजरबैजान से लगती है, जबकि हमारे ऑप्शंस में सीरिया भी था। आप देख सकते हैं कि ईरान की सीमा सीरिया से नहीं लगती। स्टूडेंट्स, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वह प्रश्न था हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा भारतीय पोषण कृषि कोष। पहला कथन था, यह कोष बेहतर पोषण परिणामों के लिए भारत में 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलों का भंडार होगा।
दूसरा कथन था, इस कोष की शुरुआत महिला व बाल विकास मंत्रालय ने की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। और कल के हमारे इस अभ्यास प्रश्न का आधार था पीआईबी में प्रकाशित एक खबर जिसमें भारतीय पोषण कृषि कोष के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है और जो स्टेटमेंट था कि यह भारत में 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलों का भंडार होगा, यह स्टेटमेंट सही है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालिया ब्लॉकों का निर्माण रिपोर्ट जारी की गई है और विकल्प है महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को हल करेंगे और अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। स्टूडेंट्स, निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज की आज की यह सीरीज यहीं समाप्त होती है और हमें उम्मीद है कि आपको निर्माण आईएएस की यह पहल जरूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको निर्माण आईएएस की यह पहल पसंद आ रही है तो निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी कराइए। धन्यवाद।